हेलो बिचिया माय लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने आपको कल ही बोला था कि तबीयत थोड़ी सी वीक है, इसलिए मैं वीडियो डालने में लेट हो रही हूँ। तो सेम सिचुएशन आज भी हुई है। आज सुबह सुबह यहाँ पे एक इवेंट आई है, बट उसको डालने में भी यहाँ पे मैं लेट हो चुकी हूँ। तो गाइज कंडीशन ख़राब है, बट फिर भी मैं आपको नहीं बता पाऊँगी क्यों। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको इवेंट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आखिर इवेंट कौन सी है। यहाँ पे इवेंट के ऊपर जो अलग अलग बैनर है, उसमें आपको वाव ड्रीम टीम करके एक इवेंट देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे 11/8 मतलब आज से स्टार्ट हुई है और 14/9 तक चलने वाली है। मतलब गाइज यहाँ पे कम से कम 1 महीने और 3 दिन की ये इवेंट है। क्वेश्चन मार्क पे गाइज मैं आप लोगों को इसके रूल बताऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या करना है कि टीम अप के लिए आपको फ्रेंड को इन्वाइट करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड को आप लोग इनवाइट करते हो और अगर वो पहले से किसी दूसरे टीम में होगा तो वो आप लोगों का इनवाइट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और एक कंडीशन और है कि आप लोग किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हो और अगर आप लोगों का फ्रेंड किसी उसके फ्रेंड को इनवाइट करेगा ना, तो वो भी यहाँ पे वैलिड होगा। मतलब आपका आपके फ्रेंड का फ्रेंड भी आपकी टीम को ज्वाइन कर पाएगा। उसके बाद गाइस सेकेंड नंबर के पॉइंट में यहाँ पर लिखा है कि एक बार आप लोग यहाँ पर स्क्वाड या ड्यूओ में टीम अप कर लेते हो, उसके बाद जो इसके अंदर रिवॉर्ड्स होंगे वो आप लोग सब कलेक्ट कर पाओगे जो टीम के अंदर होंगे। और यहाँ पे आप लोगों को मिशन भी एक साथ में मिलके करने हैं। फिर थर्ड नंबर के पॉइंट में लिखा है कि यहाँ पे आप लोग टीम अप करते हो तो एक दिन के लिए वो वैलिड रहेगा, फिर दूसरे दिन वो वापस रिफ्रेश हो सकता है। मतलब दूसरे दिन आप लोग अपने टीम मेट को चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फोर्थ नंबर में लिखा है कि इसके अंदर जो मिशन होंगे वो आप लोगों को डेली कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि उसके बाद वो रिफ्रेश हो जाएंगे। और फाइव नंबर के पॉइंट में गाइज यहाँ पे ये लिखा है कि आप लोगों को इन मैचों को बहुत ही कंप्लीट करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा कोई मिशन आता है तो बंदे सोचते हैं कि जोन के बाहर जाके मर जाएगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इसके अंदर आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे। इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि 5 मिनट से कम अगर आप लोग खेलते हो तो वो मैच आपकी काउंट नहीं होगी। एक गेम के अंदर आप लोगों को कम से कम 5 मिनट तो सर्वाइव करना है, तभी आप लोगों की सारी मैच काउंट होगी। तो चलिए ये तो इसके रूल हो गए, अब मैं आप लोगों को इवेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ऊपर की साइड आप लोगों को स्क्वाड दिख रहा होगा जहाँ पे आप खुद होगे, और यहाँ पे आपको टीम अप का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो गाइज यहाँ पे टीम अप के ऐप ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, और टीम अप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। अब गाइज यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही केयरफुल इनवाइट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जिस भी फ्रेंड को आप लोग बुलाते हो उसके साथ ही आपको मैच कंप्लीट करनी है, और साथ ही मैं आपको यहाँ पे उनके साथ मिशन कंप्लीट करने हैं। और अगर इनके साथ आप लोग नहीं खेलोगे तो आपकी गेम काउंट भी नहीं होगी। तो आप लोग ऐसे प्लेयर्स को इन्वाइट करना जो आप लोगों के साथ स्क्वाड में हमेशा खेलते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने तीनों को इनवाइट कर लिया और इन लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन कर भी लिया है। अब गाइज यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे चारों मेंबर कम्प्लीटली हो जाते हो ना, उसके बाद यहाँ पे नीचे मिशन एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है ना स्क्वाड मिशन एक्टिवेटेड आफ्टर टीमिंग अप एज अ पार्टनर, मतलब टोटल 4 प्लेयर आप लोग हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों के मिशन एक्टिव होंगे, जिसमें फर्स्ट मिशन आप लोग देखोगे तो आप लोगों को 20 एनिमी डिफीट करने हैं क्लासिक मोड के अंदर एज अ टीम। मतलब 4 बंदे आप लोग मिलके खेलते हो और यहाँ पे 20 एनिमी कोई भी बंदा मार लेता है ना, तो सारे मिलके टोटल आपके काउंट हो गए। मतलब एक फ्रेंड ने 2 मार लिए, दूसरे फ्रेंड ने 2 मार लिए, ऐसे करके सबके मिला के टोटल 20 किल हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला मिशन कंप्लीट होगा, और सेकेंड में ऐसे ही है कि आप लोगों को यहाँ पे टोटल 10,000 मीटर ट्रैवल करना है, जिससे यहाँ पे सेकेंड वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस दोनों मिशन के लिए आप लोग क्लासिक मोड खेल सकते हो, क्लासिक मोड में रंगल लगा के खेल सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस ये मिशन तो हो गए स्क्वाड के, लेकिन नीचे की साइड आप लोग देखोगे तो आप लोगों की टोटल मैच भी यहाँ पे काउंट होगी, जिसमें गाइस आप लोग चारों मिला के यहाँ पे 10 मैच कम्प्लीट करते हो तो आपको यहाँ पे क्लास सप्लाई के स्क्रैप मिल जाएगी। 15 मैच में क्लासिक के है, यहाँ पे आप लोग देखो 70 पे आपको आउटफिट मिल रहा है जो कि टाइम लिमिटेड है इसका हेड गियर, और उसके बाद 85 मैच कंप्लीट करने पे आपको यहाँ पे एक और आउटफिट मिल रहा है जो कि टाइम लिमिटेड है, ये देखने में बहुत ही अमेजिंग है। लास्ट में 110 मैच जब आप लोग कंप्लीट करोगे तो आपको आर्कटिक स्पाइक कवर हेड गियर मिल जाएगा, और 120 मैच जैसे ही कंप्लीट करते हो तो आपको ये वाला आउटफिट है वो परमानेंट मिल जाएगा। मतलब गाइज आप लोगों को चारों को मिला के यहाँ पे गेम खेलनी पड़ेगी, 4 में से अगर एक भी मेंबर नहीं हुआ ना तो आप लोग यहाँ पे गेम नहीं खेल पाओगे।
जब चारों स्क्वाड में होगे तभी आप लोगों को मैच कंप्लीट करनी है, जिससे आपको यहाँ पे नीचे वाले रिवॉर्ड्स भी मिल जाएगी। तो गाइज ये यहाँ पे स्क्वाड का हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्यो की। तो ड्यो में भी सेम आपको टीम अप पे क्लिक करके किसी भी एक प्लेयर को बुलाना है जो आप लोगों के साथ डेली खेलता हो। उसके साथ गाइज फिर आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे ही आपका टीम अप हो जाएगा उसके बाद आपकी मिशन एक्टिवेट हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट पे आप लोगों को SKS से डीओ में 2 NMA मारना है और आप लोगों को 5000 मीटर ट्रैवल करना है। फिर जैसे ही यहाँ पे आप लोगों के जैसे गाइज नीचे की साइड आप लोग यहाँ पे डीओ में 6 मैच कंप्लीट करते हो, 8 मैच, 22, 30, 40, 45 ऐसे करके करके आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेंगे। और लास्ट में एकदम आप लोग फ्लाइट करके देखोगे ना तो 65 पे आप लोगों को एक ड्रीम पार्टनर का टाइटल मिलेगा जो कि यहाँ पे परमानेंट है। तो मैंने जैसे स्क्वाड के आपको रूल बताए, सेम डीओ के अंदर भी आप लोगों को फॉलो करने हैं। आई होप गाइज आप लोग इवेंट को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।